हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैट्रिक इंटर स्नातक के कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी पंचायत केंद्र शिक्षक को लेकर, कुल 12,600 पदों की बात की जा रही थी। तो कहते हैं कि यहां पर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कुछ ऐसा ही हुआ है इस नोटिफिकेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये फेक नोटिफिकेशन से है और आप भी बच के रहें। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये वैकेंसी निकली हुई थी 24/10 यानी कि 24 अक्टूबर को, और इसकी अंतिम तिथि अभी भी बाकी है 30 नवंबर यानी कि कल तक इसकी आखिरी तिथि है। तो क्या ये फेक है या रियल है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। आपको ले चलते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर इसकी पुष्टि भी की गई है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आप सभी में से जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल पे, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आता है, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, बेल आइकन दबाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपका अभी बिहार से रिलेटेड या झारखंड से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा आप अभी अपने न्यू जॉब रिलेटेड अलर्ट्स को लेकर। चलिए दोस्तों, तो हम लेकर चलते हैं पहले तो इसकी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन जो है एक्चुअली ऑफलाइन मोड में भी जारी किया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि ऑफलाइन में इसको भर देते हैं, पैसे जिनके पास पहुंचने होते वो तो पहुंच ही जाते हैं। वो एक एड्रेस रहता है जो कि प्राइवेट रहता है एड्रेस, कोई गवर्नमेंट एड्रेस नहीं रहता है, और वहाँ पर ये लोग कैंडिडेट अपना DD बनाकर उस पैसे को वहाँ पर सेंड कर रहे हैं। तो पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि पंचायत केंद्र शिक्षक की जो भर्ती निकली हुई थी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलप प्लान ऑर्गेनाइजेशन HDPO के अंतर्गत, ठीक है। अब इस एड्रेस पे देखिए, ये एड्रेस है न्यू दिल्ली का, और ये जो वैकेंसी है ये बताई जा रही थी बिहार के और झारखंड के जिलों के लिए, ठीक है। तो पहला पुष्टि तो इसका यही हो जाता है कि अगर ये बिहार और झारखंड के बारे में है नोटिफिकेशन, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में क्यों रखा गया है, ये यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा शक हुआ, तो मैंने थोड़ी सी और जानकारी ली। यहाँ पर इन लोगों ने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम भी दे दिया था, ठीक है। अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको मैं आपको खोल के दिखलाऊंगा, पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जिला केंद्र निरीक्षक के लिए कुल 62 पद और पंचायत केंद्र शिक्षक के लिए कुल 12,581 पद, यानी कि टोटल बात करें तो 12,643 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी गई थी, और ये बिहार के कुछ जिलों का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे कि पटना से लेकर अरवल तक का जितना भी जिला है इन सब जिलों के लिए एप्लीकेबल होंगे कैंडिडेट, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और इसमें सामान्य अगर निर्देश देखे जाए तो इसमें सामान्य निर्देश के रूप में बहुत ही मतलब इजी चीज़ जो कि हर किसी के पास होता है। अब मैट्रिक तो हर कोई होता है, अब मैट्रिक करके तो कोई शिक्षक बन नहीं सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैट्रिक स्तर पे भी आपको टीचर का वैकेंसी निकाल दिया है। चलो मानते हैं एक बात कि प्राइमरी स्कूल्स में वैकेंसी हो सकती है, पर उसके लिए भी कम से कम आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी होता है, पर मैट्रिक के बेस पे ये दूसरा तथ्य ऐसा था जिस पे हम लोगों ने गौर किया और इसको हम लोगों ने खारिज किया कि ये फेक हो सकता है। उसके बाद हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, उससे पहले आपको एक चीज़ और दिखलाना चाहेंगे, जहाँ पर ये झारखंड के जिलों का नाम दिया है, पर बिहार के जिलों का नाम दिया है, वहाँ पर इन्होंने झारखंड के जिलों में ये इनको कुछ पता नहीं है झारखंड के कौन कौन से ज़िले हैं, इन लोगों ने यहाँ पर कुछ उल्टे पुल्टे वर्ड्स लिख के यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है, जो कि मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखलाऊंगा इस नोटिफिकेशन को। चलिए अब हम लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हो, ये देखो www.humanindia.in, ये एक फेक वेबसाइट है जिसपे इस फेक नोटिफिकेशन के लिए जारी किया गया है। दोस्तों आपको मैं नीचे लेकर चलूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे प्रेस रिलीज क्लिक, ठीक है। तो जिस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है इस पे आपको क्लिक करना है कि आखिर ये जो नोटिफिकेशन था क्या था। तो देखिए, आज न्यूज़पेपर है बिहार का, उसमें ये रिलीज किया गया है ह्यूमन डेवलप प्लान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एक झारखंड में HDPO करके संस्था है जिसके अंतर्गत शिक्षक की भर्ती निकलती है। पर यहाँ पे ऐसा हम लोगों ने बात किया तो कुछ भी नहीं था, और ये ऑफिस बता रहे थे न्यू दिल्ली में,
तो मेरे एक फ्रेंड के जरिए मैंने दिल्ली में भी पता करने की कोशिश की कि इस यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिस है क्या, तो वहाँ पर वो गया और कोई ऑफिस का एड्रेस पे यहाँ पे कोई HDPO का कोई ऑफिस नहीं पाया गया। फिर हम लोगों ने इसकी पुष्टि की कि जिला केंद्र और जो भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई थी इनकी जितनी, ये सही है कि नहीं, तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट दी हुई थी जहाँ पे इसका प्रेस रिलीज किया गया है, इसको आप एक बार टोटल पढ़ लीजिएगा, इसके नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बाल संस्कार विद्यालय के साथ साथ रोजगार मुखी एवं विकास मुखी योजना हेतु वे सभी पदों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के भाग लिए आवेदक रिजल्ट प्रकाशित एवं बाद में HDPO के कार्यालय द्वारा प्रकाशन रिजल्ट वाले आवेदकों के पास अति आवश्यक पत्र भेजे जाने के बाद HDPO कार्यालय के बाहर माह के बाद भी किसी भी प्रकार का आवेदक द्वारा कोई भी संपर्क नहीं किया गया है। इसके लिए सभी पदों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग करने के लिए इच्छुक पंचायत जो होगा, यहाँ पर जो बात कही गई है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, पर इन्होंने फॉर्म निकाला था ऑफलाइन का। देखो मैं उस फॉर्म को भी दिखलाऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं है, मैं उस फॉर्म को दिखलाना चाहूँगा आपको। देखिए ये है वो फॉर्म बाल संस्कार केंद्र के लिए, ये ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया था, ठीक है। अब यहाँ ऑफलाइन फॉर्म है और ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बकवास न्यूज़ थी इस वैकेंसी को लेकर, और जो कि खारिज करते हैं हम लोग और आप लोगों को भी सतर्क करते हैं कि ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट कहीं भी, ये क्या कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ERDO का, जी दोस्तों आप देखे होंगे कि टीचर की वैकेंसी बिहार को लेकर ERDO करके एक वेबसाइट बनाई गई थी जिसपे बताया गया था कि कुल 50,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, पर वहाँ पे एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, उल्टा लोगों से पैसे लिए गए, कैंडिडेट से पैसे लिए गए, फेक वेबसाइट बनाकर वो पैसे ऐड रहे थे और अपनी वहाँ पर आमदनी बढ़ा रहे थे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे एक जानकारी दूंगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो लिंक चल रहा है बाल संस्कार केंद्र में पढ़ने हेतु आवेदक प्रेस रिलीज, ये इसको आप लोग एक बार डाउनलोड कीजिएगा, जो कि ये देखिए जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस एप्लीकेशन को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे, जो कि मैंने अभी आपको ये आवेदन पत्र दिखलाया है। अब इसको और जो अभी नोटिफिकेशन मैंने इससे पहले दिखलाया है उसमें दो चीज़ें डिफर पाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म का कैटेगराइज जो प्रस्तुत किया गया है ये कुछ अलग है और वहाँ पे अलग है, लेकिन कभी भी अगर गवर्नमेंट निकालती है अपना नोटिफिकेशन तो हर जगह ऑफलाइन भी क्यों ना हो, हर जगह एक ही पर्चे, एक ही तरह के पर्चे होते हैं जो कि वैकेंसी को सही साबित करती है, पर यहाँ पे इन लोगों के द्वारा कुछ और कहा गया है और कुछ कहीं और कुछ और कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है बाल संस्कार केंद्र, ये जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट दर्शाई गई है ये तो फेक है ही, ये बनाया गया है वेबसाइट को, क्योंकि यहाँ से लोगों से एग्जामिनेशन के तौर पे इसका जो फीस कंडक्ट कराया जाएगा, लड़कों से फीस लिया जाएगा, उसे लेकर कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल ही फेक है। अगर ऐसा कुछ होता गवर्नमेंट के द्वारा तो पहले इसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया जाता, ठीक है, ना कि न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर छापी जाती। तो दोस्तों इस न्यूज़ को लेकर आप भी थोड़ा सा संचय रहें, और आज आखिरी तिथि है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म भरने के लिए तत्पर होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस फॉर्म को ना भरें, ये आपसे मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि ये एक फेक न्यूज़ है और एक फेक आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसके जरिए बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इस पर पुष्टि भी कर रहे हैं और इस फॉर्म को भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि HDPO के बारे में पूरी टोटल जानकारी लें कि ये कहाँ पे है, क्या है, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप भरने की कोशिश भी करें। मेरे ख्याल से आपको इस फॉर्म को नहीं भरना चाहिए क्योंकि ये एक फेक नोटिफिकेशन है। ओके दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जो दी गई जानकारी है, देखो जो दी गई जानकारी है वो इसमें सही नहीं बैठता है, इसको फॉर्म को लेकर बहुत सारी त्रुटियां हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है और आपका पैसा भी जा सकता है। आपके लिए सिर्फ 250 रुपये है यहाँ पर ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सभी को रोकिए, उन सभी को शेयर कीजिए कि ये फेक है, ये ऐसा कुछ वैकेंसी नहीं आया हुआ है, जो कि ऑफलाइन मोड पर भी इसको दर्शाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके लिए
जितना भी न्यूज़ था हमारे पास, हमने आप तक शेयर किया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस फ्रॉड से बच सकें और इस फेक नोटिफिकेशन से बच सकें। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।